दोस्तों, एक बार एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का सुस्वागत है। आज के इस वीडियो में हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट, वो भी कौन से वाले वर्ल्ड में वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको गैस करना पड़ेगा। तो कौन से वाले वर्ल्ड में, अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस देखी है तो आप सबको पता होगा कि ये कौन सा वर्ल्ड है जिसमें मैं क्रीपर का फेस पहनता हूँ। अगर आप लोगों ने सोच लिया है या गैस कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, मैं बता देता हूँ कि ये है फेस्टिवल सेंटर वाला वर्ल्ड, पर आप लोगों को पता है मेरा मोबाइल नया है तो सारी चीज़ें नई हो जाएगी, बराबर है। तो मैंने थोड़ा एंट्री नया बनाया है, थोड़ी बहुत चीज़ें पुरानी जैसी भी है, थोड़ी बहुत नई जैसी है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, रेडी हो देखने के लिए कि मैंने बनाया क्या है? थोड़ी बहुत नई चीज़ें बनाई है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। 1 2 3। अरे देखो दोस्तों, हाँ थोड़ा कैस्टल टाइप हो गया, लेकिन भाई साहब ये डिज़ाइन जब मेरे आए ना सामने तो मैंने सोचा ऐसा ही बनाना है, और क्या ही बना है। आप दो बॉडी गार्ड्स देख ही सकते हो, एक इस साइड दिख रहा है उस साइड, और ये अपना और ये वाला भी, मतलब दो बॉडी गार्ड यहाँ मैंने खड़े किए और दो बॉडी गार्ड यहाँ। बट मैंने यहाँ देखो क्या बनाया है, एक छोटा सा फिश टैंक जैसा बनाया है। भाई साहब क्या लग रहा है, मतलब गजब गजब लग रहा है। अरे आपको आगे का दिख गया, कोई बात नहीं, आपको क्लियर दिखाता हूँ, पहले आप ये सब देख लीजिए। हाँ ये बॉडी गार्ड और ये पीछे से थोड़ी बाकी है, लेकिन बस मेरे को ऐसे ही रखना था। आगे थोड़ा अच्छे से डिज़ाइन किया है, पीछे इतना कुछ किया नहीं है, ज़्यादा करना भी नहीं है, जैसे है वैसे ही अच्छा है। चलो हम अभी आगे चलते हैं, मैं आप सबको आगे बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। चलो लेट्स गो। दिख ही गया होगा, थोड़ा ब्लर ब्लर करके मैं दिखा रहा हूँ, तो दिख ही गया होगा। और दिखा। हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ जी लिखा है, मतलब जी का मतलब है गणपति, गणेश, कुछ भी ले लो, जी लिखा है मतलब यहाँ एंटर करोगे। क्योंकि मैं ही क्या करना चाहता हूँ, मेरा पूरा जब ये फेस्टिवल सेंटर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब तो मैं ऐसा बहुत अच्छी तरह से सब कुछ सजा के लगा के ना लगाने वाला हूँ। मतलब मैं टोटल 5 साल का पूरा ये सोच के रखा हूँ, पर अभी देखते हैं। और ये सबसे पहले गणपति आप सबको पता ही होगा, हाँ, जिनकी वजह से मेरा व्यूज़ और सब कुछ बढ़ गए। मतलब भाई साहब मैं सोच भी नहीं सकता, माइनक्राफ्ट का राजा भाई साहब, मतलब ये मैंने सेम टू सेम बनाने की कोशिश की है। हाँ दोस्तों, वो वाले वर्ल्ड में तो डिलीट हो गया, ये वाले वर्ल्ड में बनाने की कोशिश की, और आज हम एक और गणपति बनाने वाले, क्योंकि गणेश चतुर्थी आ चुका है, आपको पता ही होगा। तो चलो बनाना शुरू करते हैं, पहले ये जो टेबल है वो बना। तो दोस्तों मैंने बना लिया है, आप लोग देख सकते हो मैंने पूरा का पूरा टेबल बना लिया है, बहुत ही बड़ा बनाया है, क्योंकि अपने गणपति बाप्पा इस बार बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े आने वाले हैं, तो आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन मैंने पता है एक गलती कर दी, वो गलती ये है कि मैं चप्पल पहन के अंदर है, और चप्पल पहन के अंदर आना अलाउड ही नहीं है, तो मैं भूल गया था, सॉरी यार। कोई बात नहीं, अभी चप्पल हम निकाल लेते हैं। अरे को पहले मेरे को यहाँ से इसके अंदर। चलो दोस्तों, अभी हम एंटर कर सकते हैं और शुरू करते हैं अपना बिल्ड। मेरे को लगा मैं जल वल तो नहीं गया। चलो, अरे ये बारिश कहाँ से आ गई, रुक जाओ 2 मिनट, बारिश बंद। दोस्तों बारिश बंद, चलो काम शुरू करते हैं। 1 2 3, यहाँ से मेरे को 2 ब्लॉक छोड़ने, तीसरे ब्लॉक पे 1 2 3 4 5 6 7 सात ब्लॉक छोड़ के यहाँ, फिर यहाँ 3 ब्लॉक छोड़ के यहाँ, तो यहाँ भी 7 ब्लॉक छोड़ने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, बस ऐसा ही करना है। यहाँ 3 ब्लॉक, यहाँ 3 ब्लॉक। तो अब लोग बोलो कि बना कैसे रहा, मतलब आप लोग सोचते रह जाओगे। तो दोस्तों पैर बन चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। पहले मैंने सोचा था खाली स्किन कलर करूँ, लेकिन नहीं,
ऐसे पैर भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लाल कलर का, मतलब जो निकल के आ रहे हैं ना विभाव, मतलब मजा आ गई। अभी इनका ना मेरे को कुछ टेबल जैसा बनाना है, इसके ऊपर भी एक टेबल रहेगा, मतलब समझ गए ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ही मुझे बनाना है। उस साइड तक लेके जाता है, दोनों साइड पे ऐसा करना है, रुक जाओ, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये मुझे पूरा करना है। टेबल बन चुका है, मतलब एक और टेबल जैसा, सिंहासन जैसा, मतलब सब लोग बोल सकते हो। तो भी मेरे को ना उसका थोड़ा अभी ऊपर का पार्ट, 1 2 3 4, यहाँ से एक दो तीन चार, हाँ अभी ऐसे मेरे को 8 ब्लॉक ऊपर लेके जाने, 2 3 4 5 6 7 8, से हर एक ब्लॉक को लेके आना है। तो दोस्तों पूरी बॉडी बन चुकी है, अभी सिर्फ हेड बनाना बाकी है, मतलब हेड बना लेता हूँ, फिर हाथ बना लेता हूँ, सब सारी चीज़ें बाकी है, चलो करते हैं। अरे चलो, जैसे मेरे को लेना है 1 2 3 चौथे ब्लॉक पे, फिर 1 2 3 और चौथे ब्लॉक पे, ऐसे 1 2, अभी फिर यहाँ 1 2 3 4 5, सेम टू सेम वहाँ पे, 2 2 3 4 5, दोनों को जॉइंट कर लेते हैं। हाँ अब थोड़ा कंप्यूटर जैसा आपको लग रहा होगा, लेकिन पूरा जब कंप्लीट होगा ना, तब बहुत ही यूनिक और अच्छा दिखने वाला है, लिख के ले लो। तो दोस्तों बन चुके हैं, अपने हेड बन चुके हैं, मतलब हेड बन चुका है, थोड़ा गलत वीडियो में आया है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम क्या करने वाले, सूंड बनाने वाले। मैंने आँखें क्या थोड़ा बॉर्डर वॉर्डर कर लिया है, ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ आँखें आने, क्या हो रहा है ये पता नहीं, मेरे बिल्ड को बिल्ड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो फटाफट, देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सूंड भी स्किन कलर की ही रहती है, खाली बीच में थोड़ा रेड रेड रहता है, तो मेरे को वैसा ही बनाना होगा। और यहाँ पे मैं क्या सोच रहा था, एक मिनट ये निकालो, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे एक स्किन कलर डालो, और यहाँ पे एक, अरे वाह भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा स्कल जैसा, स्केलेटन जैसा, लेकिन रुक जाओ, थोड़ा रेडी होने दो, मतलब जो लगने वाला है ना, रुक जाओ, एक और ट्रिक मिली है, लगा के देखता हूँ ऐसा कैसा रहेगा। थोड़ा एक और नीचे वाला भी ले लेते हैं, थोड़ो यहाँ पे और यहाँ पे, सूंड सही में मेरे को बहुत अच्छी लगी, रुक जाओ मेरे को ना एक बार आंखें भी कर लेने दीजिए, और वाइट वाला ये लेता हूँ। अब लोग बोलोगे वूल क्यों नहीं लगा रहा, नहीं वूल नहीं, कंक्रीट से बनाना है, आधे से ज़्यादा गणपति अच्छा लगता है, मतलब कंक्रीट के ही रहते हैं ना मोस्टली, कंक्रीट के नहीं रहते, किसके रहते हैं मैं शायद भूल गया, आंखें को ब्लैक नहीं, इसको ब्लैक कैसा रखूँ, कैसा रखूँ, मेरे को समझ नहीं रहा, रुक जाओ, नहीं बस अच्छा नहीं लग रहा है कि वहाँ कहाँ देख रहे हैं यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है, हाँ ठीक लग रहा है, मतलब आप लोग बोल सकते हो कि अच्छा है।
मैं सोचा था ऐसा कर लेगा, लेकिन ऐसे में ना आँखें बहुत ही बड़ी दिख रही है, और इतनी बड़ी आँखें नहीं बनानी, अरे सॉरी नहीं बनानी है। अभी हम मुकुट बनाते हैं दोस्तों, मुकुट बनाने के लिए भाई थोड़ी अट हाँ चलो ऐसा नहीं 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 एक बाहर और यहाँ एक बाहर से लेके आते हैं। चलो दोस्तों अभी हाथ बनाना शुरू कर देते हैं जिस हिसाब से मैंने सोचा है, जैसे एक दो तीन और यहाँ पे ऐसा करना है, फिर यहाँ पे लेके आना है एक तीन हाँ, इसका तीनों को थोड़ा लंबा लेके जाना है। और रुक जाओ, मुझे और भी कुछ चाहिए, और वो है ये येलो कलर का कॉन्क्रीट, क्योंकि ये ब्रेसलेट जैसा बन जाएगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सोचा था ब्रेसलेट को थोड़ा और पीछे लिया जाए। यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे अच्छा दिखेगा मेरे हिसाब से। अरे अभी हमें मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, और मुझे ना एक लैडर जो सीढ़ी से क्या कहते हैं इसको फिर मुझे स्लैब्स चाहिए, स्लैब रहने दो, इससे ही कोशिश कर दूँगा मैं, फिर कोशिश करता हूँ ऐसे रखो। और अरे देखते हैं कैसा लगता है। ओह सही लग रहा है, सही लग रहा है, सच्ची में सही लग रहा है। अभी ऊपर का हाथ बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही बनाना है मुझे, और येलो कलर का कॉन्क्रीट वापस रख दिया मैंने, तो मैं नशे वशे में हूँ। सही कुछ करना है क्योंकि हाँ, फिर मुझे ना ये चक्र बनाना है, आप सबको तो पता ही होगा हाथों में तो है ये, बट मैं नहीं बनाऊंगा ये बाद में। तो दोस्तों मैंने गणपति बापा की मूर्ति आधे से ज़्यादा सजा लिया है, और बहुत ही मस्त दिख रहे ले, मतलब बहुत ही मस्त दिख रहे हैं गणपति बापा, मतलब क्या ही बोलो, आप लोग देखोगे तो शौक हो जाओगे, बट मैं अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अब मतलब मैंने को आधा सजाना बाकी है, और मैं वो पूरा सजा के ही आप लोगों को पूरे गणपति एकदम क्लियर दिखाऊँगा। मैं तो अभी ये बोल रहा था कि मेरे जो गणपति है उनका सिंहासन बनाना बाकी ज़रूर है, लेकिन मेरे मैंने जो आइडिया सोची है वो बहुत ही बड़ा सिंहासन बनने वाला। जल जा, जल जा सॉलिड, जल जा, मर गया तो उस इसके बच्चे हो गए, छोड़ो। हाँ मैंने सोचा है कि बहुत मतलब बहुत ही बड़ा सिंहासन होगा वो जो रहेगा, और उसकी वजह से क्या ये गणपति बापा का भी लुक मतलब देखने का जो
नज़रिया रहता है ना, मतलब थोड़ा दूर से अच्छे से दिखेगा, नज़दीक से थोड़ा अच्छे से दिखेगा, वो जो दिखता है ना वो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। इसके लिए मेरे को ये गणपति बप्पा को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा पीछे, थोड़ा नहीं मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये जी को भी थोड़ा मैं उधर ले लूँगा ताकि बीच में लगे। मतलब ऐसे करके मेरे को बहुत सारी, मतलब टोटल मैंने सोचा है 5 साल की गणपति की मूर्ति लूँगा और वो बनाऊँगा, बहुत सारे फेस्टिवल मनाएंगे, फिर इसको हम पूरा एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर देंगे। तो उस आइडिया की वजह से ना मुझे थोड़ा मूर्ति को शिफ्ट करना पड़ेगा पीछे, क्योंकि फिर वो आइडिया ये नहीं होगा। क्योंकि अब मैं आप सबको वो एंड में ही समझा पाऊँगा कि कैस क्यों और कैसे। अभी तो मैं ये कह रहा था कि इस मूर्ति को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं पीछे और अपनी मूर्ति बनाना शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, ये गणपति बापा के पीछे का साइड वाला है और ये हम बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बनाते हुए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लास्ट तक सरप्राइज़ रहेगा। ठीक है, तो अभी सीधा मिलते हैं लास्ट में। ये देखो, आप बॉर्डर देख ही सकते हो, आप आगे से देखोगे ना जब पूरा, आप लोग शॉक हो जाओगे, लिटरली इतना अच्छा दिखने वाला है। चलो बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया है, पूरे के पूरे गणपति बापा रेडी है और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। मतलब क्या ही बोलूँ, सही में यार बनाने में जो मज़ा आई, बहुत ही मज़ा आई। मतलब बनाने में जो मज़ा थी उससे अच्छा तो मज़ा मेरे को देखने में आई, क्योंकि क्या लुक है, मतलब आप लोग देख ही सकते हो। और क्या ही बोले, आप लोगों को मैं एक बार नाइट में भी दिखाता हूँ कि अंधेरे में कैसा दिखता है। मतलब आजू बाजू थोड़ा अंधेरा हो जाता है लेकिन गणपति बापा से दिखते हैं। रुक जाओ, दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो, नाइट में, मतलब नाइट में भी फाड़ू दिख रहे ले, मतलब क्या ही बोले, इतनी रोशनी आ रही है, चेहरे पर थोड़ी कम आ रही है लेकिन बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और क्या ही बोले, मतलब आप एक बार, मैं एक बार है ना ये फायरवर्क्स बंद कर देता हूँ, फिर देखते हैं। ओ भाई साहब, मतलब बहुत ही अच्छा दिख रहा है। स्पेशली मुझे पीछे का पार्ट थोड़ा और अच्छा लगा। मतलब पहले मैंने इलाइट्रा बनाई थी, पर इस बार जो सिंहासन बनाया है उसमें लिखा मैंने माइनक्राफ्ट का राजा। नीचे भी देखो, आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं पता नहीं, पर राजा लिखा है मैंने। और यहाँ भी मैंने लिखा है 2022 माइनक्राफ्ट चार राजा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के इस वीडियो के लिए मतलब बस इतना ही, और अगली वीडियो शायद तक माइनक्राफ्ट की आने वाली है, शायद तक क्या, पक्का माइनक्राफ्ट की ही आने वाली है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं माइनक्राफ्ट के अलावा कोई गेम खेल नहीं रहा हूँ। तो अगर कोई और गेम खेलना है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, और कैसा लगा वीडियो वो भी जाके बताना। बाकी ये सब मैं सेट कर दूंगा अगले वीडियो तक, जब भी आएगी फेस्टिवल सेंटर की। देखते हैं अभी और कौन सा फेस्टिवल आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।